नहीं लेते हुए मैं प्रकाश भी को अनुरोध करती हूँ कि आज हमें बहुत सुंदर विषय पर वो बताएंगे, ईर्ष्या की अग्नि से मुक्ति, क्योंकि ये ऐसी जलन है, वो जलाती तो है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, तो वेलकम प्रकाश भाई, ओम शांति। ओम शांति और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। गुड शांति, इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग ओम रहा है यहाँ पे। शांति। ईर्ष्या की अग्नि, उस टॉपिक में ही काफी राज समाया हुआ है। एक अग्नि ऐसी, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे हम कोई कोयला लेके किसी के ऊपर फेंकते हैं तो पहले वो कोयला हमको जलाता है, तो वो एक जलन ऐसी है जो सिर्फ हम दूसरों को नहीं लेकिन हमें भी जलाता है। पहले हमें जलाता है, फिर दूसरों को भी जलाता है। तो ऐसे ये एक बहुत छोटी सी बात, जैसे हम काफी विकार हैं, बड़े विकार हैं, जैसे क्रोध हो या ईर्ष्या, से ज्यादा कहते हैं कि भाई काम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये काफी बड़े विकार हैं और ईर्ष्या उनके सामने काफी छोटी लगती है। लेकिन कहते हैं कि ईर्ष्या के वजह से सारा रामायण शुरू हो सकता है। यानी वो छोटी सी चीज है, लेकिन उस छोटी सी चीज में, जैसे जैसे आजकल बड़े से चीज को बहुत छोटी करते हैं, जितने भी बड़े हो सकता है, जिसमें अभी आप कंप्यूटर ही देखिए या मोबाइल देखिए, सारे चीजों को छोटे कर रही है और उस छोटी चीज में सबसे ज्यादा पावर होता है आजकल। तो वैसे ही ऐसी नेगेटिव पावर है इस छोटी सी चीज में, जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं। लेकिन जब वो किसी के जीवन में आ जाती है तो काफी वहां पे डिस्ट्रक्शन पैदा कर देती है। इसलिए कहते हैं सारा रामायण उस छोटी सी ईर्ष्या की वजह से शुरू हुई। तो वैसे ही अगर हमने इसको सीरियसली नहीं ले, अगर हम अपने जीवन में, तो हो सकता है हम सबके जीवन में ऐसे रामायण शुरू हो जाए। और वो ना होने के कारण अच्छा है कि आप सब आज हमारे सामने यहाँ पे हैं। एक चीज तो काफी क्लियर है कि ईर्ष्या सबके जीवन में होता है। ऐसे नहीं कि मेरे जीवन में नहीं है या आपके जीवन में नहीं है या कोई ज्ञानी है तो उसके जीवन में नहीं है, लेकिन हम सब उसके साथ उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर वार हम सब उसके ऊपर कोई ना कोई चीज हिसाब से हम उसको ओवरकम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम इस देहभान में या बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो फिर वो ईर्ष्या आ जाती है, और फिर ये देखना है कि भाई हम उसको कैसे चैनलाइज करें और कैसे हम अपने आप को उस हिसाब से देखें, चेक करें और फिर चेंज करके आगे बढ़े। लेकिन बहुत बहुत जरूरी है कि हम उसको चेक करें, और अगर है हमारे अंदर तो वो अच्छा फीलिंग्स लाती नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे जीवन में काफी लेट्स से डाउन्स आ जाते हैं और काफी डाउनफॉल भी होता है। तो जितना जल्दी हो सकता है उसको रिकग्नाइज करें और इस इल्यूजन में ना रहें कि भाई हमारे जीवन में कुछ है नहीं, ऐसी बात होती है, लेकिन रिकग्नाइज करना जरूरी है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है ये होता है, लेकिन फिर उसके बाद हमें करना क्या है। तो इस विषय पे हम आगे बढ़ते हैं कि भाई जब हम इस चीज को देखते हैं, ईर्ष्या या जेलेसी, उसका डेफिनेशन क्या है, तो देखा जाता है, कहते हैं कि भाई जब हम किसी और लोगों को देखते हैं और अगर उनमें कुछ चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है तो फिर हमें ईर्ष्या होती है। उसका उल्टा कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो चीजें हैं जो दूसरों में नहीं है तो हम उसको अभिमान या अहंकार भी कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट साइड में हम अभिमान कहते हैं कि भाई देखो मुझ में ये सब चीजें हैं, मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये सब चीजें हैं, लेकिन इतना क्वालिफिकेशन है, पोजिशन है, पोजेशन है, और अगर आप में वो नहीं है और मैं उसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे अभिमान और अहंकार आ सकता है। और अगर मैं ऐसे ही कंपैरिजन में अपने आप को देखता हूँ कि मुझ में ये सब चीजें नहीं है लेकिन आप में है, तो फिर मुझे ईर्ष्या आती है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश की कि ईर्ष्या के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम उससे काफी डिसइंटरेस्ट रख सकते हैं। तो एक डेफिनेशन मैं देखा
कि दूसरों की खुशी में मैं दुखी बन जाता हूं. अदर्स हैप्पीनेस मेक्स मी फील सैड. तो जेलसी वो चीज है कि भाई मैं किसी को खुश देखता हूं और मैं दुखी हो जाता हूं. मुझ में ऐसी चीजें आ जाती है जो मुझसे वो शांति, सुख, आनंद, जितने भी अच्छे जो भी एक्सपीरियंसेस हो, एक सेकेंड में खत्म हो जाती है. सो दूसरों की खुशी में मैं दुखी, तो एक काफी क्रूर होगा, लेकिन ये असलियत में अगर मुझे उसको एक मीनिंग देना है तो इस हिसाब से आता है, दैट आई फील अनहैप्पी व्हेन आई सी अदर्स हैप्पी. और वो काफी काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि हम वैसे देखा जाए तो सबकी खुशी चाहते हैं. कोई जाता है एग्जाम के लिए, हम उसको कहते हैं ऑल द बेस्ट. कोई अपना टेस्ट के लिए जाता है, होप यू विन, होप यू सक्सेसफुल. जब हम ऑफिस में आते हैं हम, या किसी से मिलते हैं, तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड, इंजॉय योर वीकेंड, क्योंकि सब कहते हैं हम. तो असल में हम सबकी खुशी चाहते हैं, लेकिन ये ईर्ष्या एक ऐसी चीज है कि कोई अगर खुश हो जाए तो मैं खुश नहीं हूं उसके, उससे, उनको देख के. तो एक बहुत ही हमको इस चीज को जांचने की जरूरत है कि जब हम चाहते हैं कि सब सुखी हो, और अगर कोई सुखी सच में हो जाए, और अगर मैं उसको देख के उसके वजह से मेरी अंदर कुछ जलन आ जाए, तो यानी कुछ गड़बड़ है, और उसको जरूर हमें उसको टटोल के अपने अंदर से निकाल देना चाहिए. तो ये काफी सीरियस बात है, और इसके वजह से इसका डेफिनेशन मैंने दिया ताकि हम 100% उसके बारे में कुछ करें. तो दैट इज अ लिटिल वे ऑफ लुकिंग एट. एक तो एक फिनोमिनन यूनिवर्सल है, दूसरी बात बहुत जरूरी है हम उसको निकालें, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है. इट इज नॉट इन alignment to my core values and my purpose of life, it is against it. Lekin phir bhi agar hai, that means it is an unwelcomed guest. Aise mehman hai jisko humne bulaya nahi hai lekin aa gaya hai. To pata kaise chale? For let's try and understand the signs. Pehle hum dekhenge signs kya hai jealousy ke, uske consequences kya hai, phir root cause dekhenge, what is the root cause of it, aur phir kuch solutions bhi dekhenge. तो इस हिसाब से हम 40-45 मिनट्स में कवर करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको समय देंगे. ठीक है, इज दैट ओके, ऑल विद मी? ओके, थैंक यू, थैंक यू. सो पता कैसे चले कि भाई हमारे अंदर या किसी के भी अंदर ईर्ष्या है, उसके साइंस, लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण क्या है ईर्ष्या के, मुख्य लक्षण? तो पहला चीज कि भाई जब हम किसी और को बिरेट करते रहते हैं या उसके अगेंस्ट बोलते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको हमेशा, चाहे कुछ भी उसका प्रोग्रेस हो या वो अपना जीवन जी रहा है, हम ये देखें कि भाई अगर हम किसी को बार बार नीचा गिराने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों में या किसी और भी प्रकार से अपने यू नो बिहेवियर से, तो वो एक साइन है कि भाई हम किसी को सुखी देखना नहीं चाहते हैं. और वो काफी सटल है, जैसे हम गॉसिप करते रहते हैं और किसी का हम यू नो सामने किसी ने कहा हमको कि इस व्यक्ति के बारे में, और जब हम उसकी इमेज को टार्निश करते हैं, उसको बिरेट करते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि भाई हमारे अंदर कोई ना कोई जेलसी जरूर छुपी हुई है, जिसके वजह से हम किसी की जो इमेज है उसको टार्निश कर रहे हैं. नहीं तो हम ऐसे करेंगे नहीं, वी विल नॉट बी डूइंग दैट. जो कोई भी है, किसी के अपना जीवन है, जी रहा है, तो उसमें हमसे कोई लेना देना नहीं है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिरेटिंग एनीबॉडी. दूसरी बात, किसी का जो प्रोग्रेस है या कोई जिस, जब हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं, कोई कहेगा कि भाई इस व्यक्ति को देखो कितना वंडरफुल है, कैसी यू नो सबको ऐसे हेल्प कर रहा है, कितनी जल्दी उसने प्रोग्रेस कर लिया है, तो किसी की महिमा सुन के अगर मैं अनकंफर्टेबल फील करूं,
तो समझ जाना चाहिए कि उसमें भी जेलसी जरूर है कि मुझ में यानी उस समय जेलसी है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपनी काबिलियत से अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, लेकिन वो मैं देखता नहीं हूँ और यही देखूंगा और यही कहूँगा कि भाई हो सकता है उसने बस किसी की इन्फ्लुएंस लेके किसी को उसने पैसा दे के ऐसे कर लिया होगा, या वो ये कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ये मान और रिस्पेक्ट चाहिए इसकी वजह से उन्होंने ये सब किया है। तो उसकी जो सच्ची अचीवमेंट्स को हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, और कोई अगर उसको प्रेज और अप्रिशिएट कर रहा है तो फिर मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। जीरो टॉलरेंस फॉर प्रेज एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर्स और ऑफ अ सर्टन पर्सन पर्टिकुलरली, इट कुड बी फ्यू पीपल, सब नहीं होंगे लेकिन आई एम श्योर इट्स नॉट गोइंग टू बी एवरीबॉडी। हम कई लोगों को प्रेज करेंगे लेकिन पर्टिकुलरली कुछ व्यक्तियों को जब कोई प्रेज करते हैं तो फिर मुझे अंदर से थोड़ा इंटॉलरेंस फील होता है, और फिर वो एक साइन है। और रेस्टलेसनेस, आई स्टार्ट फीलिंग वेरी रेस्टलेस व्हेन आई एक्चुअली आई एम सीइंग अदर्स प्रोग्रेसिंग, कोई आगे जा रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई, क्योंकि हम सब साथ में हैं। स्पेशली जेलसी उन लोगों से होता है जहाँ पे हम लोग अपने को इक्वल समझते हैं, और जब हम वैसे इक्वल से बैकग्राउंड सेम है, आए सेम जगह से, लेकिन एक बहुत आगे बढ़ गया है दूसरा नहीं, तो फिर मुझे मेरे अंदर काफ़ी रेस्टलेसनेस का अनुभव होता है। रेस्टलेसनेस ही नहीं, काफ़ी और भी इमोशंस पैदा होती हैं जो जेलसी से शुरू होती है, जैसे गुस्सा, डर, या एक बहुत ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा एक इमोशन है इनसिक्योरिटी, हमको फीलिंग में आती है। तो जब हमें ये सब इमोशंस भी पैदा होती है हमारे अंदर, तो फिर देखना है कि भाई कहीं पे हमें किसी से कोई जेलसी नहीं है, हम बार बार किसी के साथ कंपेयर करके ये देख तो नहीं रहे कि भाई हम किधर है वो किधर है, और फिर हम अपने आप को प्रशंसा देते कि भाई देखो मैं ये कर रहा हूँ लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज है, जब हमारे अंदर डर पैदा होता है, जब हमारे अंदर ये एंगर भी आता है किसी के प्रति, तो शुरुआत इस छोटी सी चीज से होती है, जेलसी से। कंपैरिजन करते हैं थोड़ा इसमें ज़्यादा है, और फिर वो थोड़ा अगर हमने उसको चेक नहीं किया तो काफ़ी इमोशंस में बढ़ सकता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एम्बिशन भी होता है ना, तो पर्पस ड्रिवन एम्बिशन नहीं होता है। तो एम्बिशन इसलिए ड्राइव होता है क्योंकि कोई और कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है, कोई और वहां पे गया है तो मुझे भी करना है। तो इसके बेटे ने इंजीनियरिंग किया है तो मैं अपने बेटे को भी जरूर इंजीनियरिंग बनाऊंगा, और उसके उस कॉलेज में है तो मैं उससे थोड़ा बड़ा कॉलेज में भेजूंगा उसको, उसने ऐसे किया तो मुझे थोड़ा और ज्यादा करना है। तो देखेंगे कि भाई हमारा जो एम्बिशन और जितने भी हम अपना डायरेक्शन फोकस जो भी कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है, न्यू क्या है, फाउंडेशन क्या है। अगर हम जेलसी से करते हैं तो देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं चलता है। कितने लोग हैं जो कई चीज करते हैं और करते ही रहते हैं सालों भर, और फिर थक जाते हैं, छोड़ते हैं, कहते हैं यार मुझे तो ये शुरू ही नहीं करना था, पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और काफ़ी उसमें फटीग होता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद और पता चलता है कि भाई ये सब इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ दूसरों को देखा और वो लोग कर रहे थे और मैं समझा कि भाई मुझे भी करना है, तो वो ईर्ष्या आ गई और मैं उस रीस के वजह से मैं वहाँ पे जाके पहुँच गया, और फिर वहाँ जाके पहुँचा तो वहाँ पे ना सुख ना आनंद ना खुशी ना कुछ भी, और फिर यू टर्न मार के फिर हम और कोई डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो वो भी हमें काफ़ी एक चीज़ है जिसके वजह से हमें देखना है कि जेलसी की वजह से तो नहीं हो रहा है, और वो एक कॉन्सिक्वेंस भी है। जेलसी की वजह से हम चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि भाई हमारे जितने भी अच्छे अनुभव है एक सेकंड में, एक सेकंड लगता है उसको नष्ट करने में। बहुत खुश हूं मैं, एक मुझे कुछ अच्छी चीज भी हुई है हमारी लाइफ में,
भाई मुझे प्रमोशन हो गया या किसी ने आके मुझे कुछ अच्छी बातें कही मेरे बारे में, तो मैं खुश हूं। और उसी सेकंड किसी और के बारे में कुछ और बोला, तो उस ईर्ष्या की वजह से एक सेकंड में वो जो मेरे अंदर खुशी का अनुभव हो रहा था वो भंग हो जाता है। तो हमारी खुशी और शांति सबसे अहम चीज है, नहीं सबको एक चीज अगर हमको चाहिए, ठीक है ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें मन की शांति हो, दिल में खुशी हो, एक तरीके से सबके प्रति प्यार की भावना हो। लेकिन अगर ईर्ष्या होगा तो इन सब चीजों का कोई भी मूल नहीं होगा और एक सेकंड में सब भंग हो जाती है। दूसरी बहुत बड़ी बात है, ईर्ष्या की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। अच्छा खासा चल रहे हैं हम, नेबर्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारी जो मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है उनके साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन कोई ना कोई कारण के वजह से जब हम देखते हैं कि ईर्ष्या आ जाती हमारे अंदर, तो फिर हम वहाँ जाना बंद कर देते हैं, उनके साथ अच्छा सा बोलना बंद कर देते हैं, और जैसे ही हम उनमें कुछ चीज़ें देखते हैं तो फिर ईर्ष्या आ जाती है, फिर उस ईर्ष्या की वजह से ही हम उनसे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो सच्चा, हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे से बात भी करेंगे, लेकिन वो सच्चा जो रिलेशनशिप जिसमें कनेक्शन ऑफ प्योर एनर्जी होनी चाहिए वो बंद हो जाता है। और अगर वो रिलेशनशिप में बंद हो गया तो फिर रिलेशनशिप का फायदा क्या है, फिर तो सिर्फ हम साथ में हैं लेकिन वो रियल कनेक्शन मिसिंग हो जाती है, और वो होता है ईर्ष्या की वजह से। कई बार ईर्ष्या होती है लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं हम, या उसको कभी एक्सप्रेस करते नहीं हैं, लेकिन हमको अपने एनर्जी को टटोलना है। वी मस्ट ट्राई एंड फील द प्योरिटी ऑफ द एनर्जी दैट एग्जिस्ट बिटवीन रिलेशनशिप्स ऑफ माइंड। और अगर वो क्वालिटी अच्छा है तो समझना चाहिए कि भाई ठीक है, यू आर क्लीन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उस एनर्जी में कुछ गड़बड़ है, देयर इज सम थोड़ा बहुत उसमें अडल्ट्रेशन अगर आ गया उस एनर्जी में किसी के रिलेशनशिप में, सो देन दैट इज वे ऑफ सीइंग दैट यस दिस इज नॉट राइट एंड दैट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेलसी। दूसरा है डिसीशन मेकिंग में भी हम गलत हो सकते हैं, जब जेलसी है दूसरों के साथ तो हमारी डिसीशन मेकिंग पावर गिर जाता है। एक तो ठीक से डिसाइड कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार हमारे मन में ये सब नेगेटिविटी आ गए तो जब माइंड पीसफुल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो फिर कोई डिसीशन ठीक होता नहीं है, तो कोई और इमोशन की वजह से जेलसी भी। लेकिन जेलसी बहुत ही, क्योंकि उसको अग्नि कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे जो डिसीशंस लेते हैं हम, उससे एक तो हम बर्न होते हैं, लेकिन उसके वजह से हम दूसरों को भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं होता है, एंड उसके वजह से काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है। अभी हमने देखा है, और ये तो फिर भी यूनिवर्सल है, कि जब कोई इतना जेलस हो जाता है, भाई भाई को नहीं देख सकता है या बहन बहन को भी नहीं देख सकता है, देखने की तो एक बात दूर है, लेकिन उनके लाइफ में काफ़ी लॉस के लिए वो लोग कोशिश करते हैं, इतना हद तक कि एक दूसरों को मार भी देते हैं। वी हैव सीन सो मेनी पीपल बीइंग मर्डर्ड बिकॉज ऑफ जेलसी एंड किल्ड, सो इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर, द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी सो डायर दैट इट्स अनबिलीवेबल, बट वन स्मॉल लिटल बग लाइक जेलसी कैन हैव सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ लॉस, एंड वी हैव सीन दैट हैपन। I've seen that happen recently, जहाँ पे एक बहन दूसरे बहन को मार देती है गोली से, उसके पास हथियार है, she has a gun and she shoots the other girl who's a sister in that jealousy because they started liking the same boy, and so this sister said you get away from this person because he's mine. She says no, but he likes me, so he's going to be with me, and she said no, if you don't then I'm going to really I'm going to do something. She said, what are you going to do? So she had a gun with her. She pulls it out and just in that fit, she just pulls the trigger. And the next moment she's regretting. Next moment, it probably is a second later, she regrets.
And then she gets caught eventually by the police, and the CBI comes and they take her. Initially, they think that there were some people from outside who came because her mother was in the house at the same time. They try to cover it up for a few months. Lekin pata chal gaya baad mein jab maa ke paas aaye aur pata chala ki bhai isi ne usko khoon kiya. To bahut 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 buri cheeze bhi ho sakti hain. And I'm sure we're not going to that extent. Lekin it's good to know what extent we can go to. Taake hum usse kaafi satark rahe. We should stay very alert from it. To वैसे most of my time I spend in UAE, Dubai में रहता हूँ, तो वहाँ पे काफी communities हैं, there are a lot of communities, and I don't want to name a certain community, but there's one particular community that is known to do things because others are doing it in their community, even if they cannot afford it. मुझे मैं उसको afford कर नहीं सकता हूँ, लेकिन I must stay in that type of a house. मुझे उस तरीके के घर में रहना है. क्यों रहना है? क्योंकि दूसरे लोग जो मेरे कम्युनिटी में वो भी रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके बैंक से बोरो करूंगा, अपने दोस्तों से पैसा बोरो करता हूं. आई एम बोरोइंग अ लॉट ऑफ मनी एंड आई एम लिविंग ऑन बोरोड स्टफ. व्हाई? क्योंकि मुझे, अगर मैंने उनके जैसे नहीं, अंदर ऐसे फीलिंग आता है कि आई हैव टू बी लाइक देम, मुझे उनके जैसे रहना है, उनके जैसे कपड़े पहनने हैं. एंड सो उसके वजह से दे आर इन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट्स. रिसेंटली वी हैव सीन अ लॉट ऑफ यू नो जॉब कट्स, एंड दैट कम्युनिटी हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट टू सफर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन लिविंग अ लाइफ बेस्ड ऑन कंप्लीटली व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड नॉट व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर अस. सो ये कॉन्सिक्वेंसेज है जेलसी के, जो काफी डायर है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूट्स. रूट क्या है उसका, जो What's the, where does it really start? ये शुरू कहाँ से होती है? So I hope you can see this slide. Yeah? Okay? Visible? Yes. Okay. Fantastic. Thank you. So, just trying to get to the root. And many a times I thought the root was comparison. Comparison. हम एक दूसरे को देखते हैं तो jealousy होती है. या जेलेसी होगी या एरोगेंस होगा, ईर्ष्या होगी या अभिमान और अहंकार आएगा. लेकिन उससे भी थोड़ा हमको और गहराई में जाना है. सिर्फ कंपैरिजन से नहीं होता है, या सिर्फ दूसरों लोगों को देखने से नहीं होता है. कई बार हम दूसरों को देखते हैं लेकिन उनमें अगर हम प्रोग्रेस देखते हैं, हम अच्छी चीज देखते हैं, तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई आप में ये अच्छाई है, आप में ये गुण है, आपने इतनी अच्छी सी प्रोग्रेस की है, तो लेट मी ऑल्सो प्रोग्रेस. तो यू नो यू हैव समबडी हु इज रनिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस चला रहा है, और उसके बिल्कुल सामने दूसरा व्यक्ति भी सिमिलर बिजनेस चला रहा है, और सारे कस्टमर्स उसके पास जा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है. तो दो चीजें, मैं बैठ के जेलस होके ये कह सकता हूँ कि भाई उस आदमी ने ये किया है, चीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, जो भी है, या दूसरी चीज है मैं उसको देख के कह सकता हूँ कि भाई ये आदमी, इसके पास इतने ग्राहक आ रहे हैं, इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर रहा होगा, क्या मैं उससे सीख सकता हूं? कैन आई बेंचमार्क एज वी से अगेंस्ट समबडी एल्स एंड बिकम बेटर? अप्रिशिएटिव इंक्वायरी भी होती है, सी व्हाट्स रनिंग वेल फॉर अदर्स एंड सी इफ आई कैन अडॉप्ट इट एंड लर्न एंड मूव फॉरवर्ड इफ दैट्स नेसेसरी. सो इवन बिफोर गोइंग इनटू द स्पेस ऑफ कंपैरिजन एंड लुकिंग एट अदर्स, व्हाट रियली इज द कॉज इज इनएडिक्वेसी. देयर इज अ सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, यानी हमारे अंदर कुछ कमी की महसूसता, या ऐसे कहे हमें कुछ emptiness फील होता है अंदर. There is a sense of something that is missing inside me. और वहां से शुरू होता है कि मैं भरपूर नहीं हूं, अंदर से कुछ ना कुछ मुझ में कमियां हैं. और मैं कई लोगों से थोड़ा छोटा हूं, मुझ में ये सब काबिलियत नहीं है, ये गुण मेरे में नहीं है, और उस अभरपूरता की वजह से ही हमें दिखाई जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हम अपने में अभरपूरता महसूस करते हैं और थोड़ा बहुत वो एम्प्टीनेस और इनएडिक्वेसी फील करते हैं, तो फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी स्टार्ट डूइंग व्हेन वी हैव दिस फीलिंग,
is obviously we try to fill this gap up. हमें अपने को भरपूर करने के लिए सबसे आसान चीजें होती हैं कि भाई जो हमारे सामने जो भी है, हम चीजों को, व्यक्तियों को, टाइटल्स को या कोई भी मटेरियल पोजेशंस को हम पोजेस करना चाहते हैं. We want to start holding to all these things in terms of whatever those achievements could be. लेकिन हम possessive बन जाते हैं क्योंकि अंदर से मैं थोड़ा बहुत खोखला हूँ, थोड़ा बहुत खालीनेस फीलिंग होता है अंदर. तो आई वॉन्ट टू पोजेस, आई वॉन्ट टू होल्ड एंड आई डोंट लेट गो ऑफ एनीथिंग. तो मुझे जो भी चीज़ मिलती ही पकड़ता हूँ और आई ट्राई टू कीप टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ टू अदर्स के देखो मैंने ये किया, ये किया, ये किया. क्योंकि अंदर से मुझे इनएडिक्वेसी है तो मैं आई स्टार्ट होल्डिंग ऑन टू थिंग्स. What happens after that? एक बार मैं ये सब चीजों को होल्ड करता हूं फिर ये चीज मेरी आइडेंटिटी बन जाती है. This becomes my identity now. So, अंदर से खाली हूं लेकिन बाहर की चीजों को पकड़ के मैं उसको अपना एक रूप समझ लेता हूं और मैं उससे अभी आइडेंटिफाई करता हूं. So now I'm no longer this person who is who I am. मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जो मैं पकड़ के बैठा हूँ बाहर से, अभी मैं वो बन गया व्यक्ति. और उसमें एक बहुत बड़ा डेंजर है क्योंकि वो सारी चीजें जो मैं पकड़ के बैठा हूँ, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज. दैट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स. आज मेरे पास, मैं अपने आप को यू नो डायमंड मर्चेंट या द ओनर ऑफ द कोहिनूर कह सकता हूँ, लेकिन नॉट फॉर एवर. वो कल कोई आके चोरी कर लेगा या कोई आके उसको जब्त कर लेगा. टुमारो इट मे नॉट बी माइन. टुडे मैं अपने आप को एक टाइटल के साथ आई एम जनरल मैनेजर और आई एम दिस पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो आइडेंटिटी हो गया. कल मेरे से ज्यादा कोई आ गया या मेरे से कम किसी ने मुझसे चैलेंज किया, तो ये आइडेंटिटी को फिर शेक हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस दैट आर हैपनिंग एवरी नैनो सेकेंड अराउंड अस, If I'm holding on to these things as my identity, क्या हो जाता है? जब भी इनमें कोई भी shake होता है, तो डर, गुस्सा, insecurity, discomfort, और feeling of insecurity, ये सब अंदर आ जाते हैं. So, inadequacy, possessiveness, misidentification with those things that I possess. और उसके वजह से, क्योंकि वहां पे थोड़ा ना थ्रेट तो हमेशा होता है उन चीजों को, इट्स ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट, देन आई हैव दिस फीलिंग ऑफ ऑल द इमोशंस दैट कम अप. फिर क्या होता है, ये मेरे स्वाभिमान को इफेक्ट करता है. इट इफेक्ट्स माय सेल्फ एस्टीम. क्योंकि If you see, we are now going counterintuitive to ourselves. Nobody wants to feel fear and anger and insecure and discomfort. So, jab ye sab emotions aa jate hain, to it hurts me further and it makes my own self-esteem again get more damaged. Aur uske wajah se it feeds into my inadequacy even more. Aur bhi inadequate feel karta hu. Aur phir wapas ye pure cycle ko shuru kar deta hu. So, as one of the identities, I said fear here, but jealousy is that particular space there I can keep getting myself into. So, this is the core inadequacy, the feeling of something is missing inside me. I am not good enough. I am not full. I am not complete. And so, those feelings and those ways of, let's say, perceiving the self is where it all starts. याद रखना, ये सिर्फ एक परसेप्शन है. योर इनएडिक्वेसी इज ओनली अ परसेप्शन एंड नॉट अ फैक्ट. मेनी टाइम्स इट कैन बी ड्रिवन फ्रॉम आउटसाइड, मेनी टाइम्स इट कुड बी इंटरनली ड्रिवन, लेकिन एक परसेप्शन है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई डोंट गेट ट्रैप्ड. एक ट्रैप भी होता है, इट्स अ ट्रैप. डोंट गेट ट्रैप्ड इन दिस फीलिंग. मुझे याद है जब मैं काम करता था, एक हमारा एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर होता था. एंड वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे काफ़ी डाइट में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है और मेरे रिजीम भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है. मैं उठता हूँ कभी और फिर कभी सोता हूँ. सो आई हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम फॉर माई सेल्फ. तो
यू नो हम अपने कलीग्स के साथ मिलते रहते हमेशा, तो एक बार हम लंच पे थे और मैं अपना वेजिटेरियन फूड खा रहा था, तो काफी सीरियसली बात कर रहा था मुझसे और कह रहा था कि यू नो यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, यू कैन नॉट बी ईटिंग लाइक दिस एंड लिविंग लाइक दिस, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको चेंज करना है और हमारे सोसाइटी के हिसाब से आपको रहना है, यू नो दिस विल नॉट हेल्प यू मच, यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग वेरी वेल फॉर योरसेल्फ, यू कैन रियली बी मच मोर बेटर इफ यू वेयर टू यू नो बी लाइक मोस्ट ऑफ अस बिकॉज यू आर नॉट लाइक अस. तो ऐसे वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बात कर रहा था, ही वॉज अ मैनेजर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एक्चुअली. तो ठीक है, सब बातें होती है. तो देर आर पीपल द वे दे लुक एट यू एंड दे कुड कीप गिविंग यू सिग्नल्स दैट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट एंड यू आर लेस देन अस एंड यू शुडन्ट बी लाइक दिस. तो काफी चीजें होती हैं. तो आई रिमेम्बर वी हैड अ हेल्थ एंड सेफ्टी वीक. उस समय क्या है, सबका हेल्थ चेक होता है, हर एक पूरे स्टाफ के पूरे ऑफिस के लोग आते हैं उस कैंप में और वो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल, सब आई मीन दे डू अ थरो चेकअप ऑफ द होल बॉडी. तो जब वहां पे गए और देखिए मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आई फेल्ट दैट दिस पर्सन हु इज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर इज डजंट थिंक दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग्स. दैट्स द परसेप्शन दैट आई गॉट बिकॉज ऑफ द वे ही स्पोक टू मी एवरी टाइम आई मेट विद हिम. लेकिन जब हम उस कैंप में गए हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए और मेरा जब टेस्ट हो रहा था तो वो खड़ा था उस डॉक्टर के साथ एंड यू हैव दोस स्टाफ मेडिकल स्टाफ, तो उनको कह रहा है कि इफ प्रकाश हैज सम प्रॉब्लम विद हिज हेल्थ इट मींस समथिंग इज रॉन्ग विद योर इक्विपमेंट. यानी अगर इसके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, यानी आपके इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, इसके हेल्थ में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है. तो इट टुक मी बाय सरप्राइज के आज तक ये यही बोल रहा था कि भाई आप जो कर रहे हो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसके मन से आ गया कि भाई अगर इसमें कुछ गलती है तो फिर आपके इक्विपमेंट, विच मीन्स ही यूज्ड टू ऑलवेज फील व्हाट आई वाज डूइंग वाज सो गुड एंड सो राइट बट ही डिडंट वांट टू एक्सेप्ट इट. लेकिन मेरा परसेप्शन क्या हो जाएगा मेरे बारे में कि भाई ओहो मे बी आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग्स एंड देन आई स्टार्ट फीलिंग इनएडिक्वेट एंड देन आई स्टार्ट चेंजिंग माई वेज. तो मैं फिर चेंज करूंगा और आई विल स्टार्ट सेइंग ओके सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मुझे ये करना है, ये और कुछ दिखाना है उनको, ये करना है. And then that becomes my identity, which is false. It's not me. So the identity is a perception we have to be very careful of. There could be amazing adequacy inside. But just because of that lack of the right perception, I could go into the whole wrong track and then I can affect myself very badly. Okay. So what can we do? What are some ways in which we can overcome these aspects? So I'm going to share with you four things of how do we overcome this sense of inadequacy and how do we overcome jealousy? What are the things we can actually do? The first one, pehla cheez hai, self-awareness. Okay, sorry. Am I audible? Because that was a long time back. I'm sure everyone can hear me. So first thing is that we need to develop our self-awareness. Self-awareness ka matlab kya hai? Understanding who you are, you know, or let's say demystifying the question, ke main kaun hoon? Who am I really? That's a very, very important question. And I'm sure many of you have done the course at maybe Anubhuti, maybe somewhere else, wherever you'll have done the course, or maybe online nowadays, you would see that one of our biggest emphasis of the Brahma Kumaris is on the biggest question is, who am I? Main kaun hoon? Self-awareness is the most critical aspect for me to start feeling more adequate, to be able to understand that, you know what? The awareness that one, okay, there is this body and that can have so many difficulties and so many ups and downs. Shareer mein kaafi kuch cheez ho sakti hai jo kami hai. But that's not really who I am. I'm much beyond this. I'm much bigger than this. And so, ye awareness ke hamare sab, every human soul has got some very beautiful, deep qualities that sometimes we don't realize. So that's the thing that we start being aware that ek cheez hai ye deh ye shareer lekin dusri cheez hai main kaun, a spiritual being with a physical experience.
वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूं और इस शरीर में फिजिकल एक्सपीरियंसेस हो रहा है मेरे, ज्यादातर कि मैं ये शरीर हूं और मुझ में एक आत्मा है जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है विच इज अ एनर्जी, बट आई एम दिस एनर्जी. एंड देन दैट अवेयरनेस विल हेल्प मी रियलाइज, उससे रियलाइज होगा कि अगर मैं ये एनर्जी हूं तो फिर वो मैं कौन हूं, शांत स्वरूप, आई एम पीसफुल. ऐसे नहीं कि मैं कुछ करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं कुछ बनूंगा तो खुशी मिलेगी, मैं कुछ अचीव करूंगा तभी मुझे आनंद का अनुभव होगा, नहीं. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट दैट वी नीड टू मेक. मैं हूं, आई एम, नॉट दैट आई गॉट टू डू एंड अकम्प्लिश टू बी एबल टू बी. So starting from that being, so awareness, and then realize that I already am. And you'll see how that shifts the perception immediately. Napoleon Hill said that nicely. Anything the mind can conceive and believe, it can achieve. मन में कुछ भी अगर आपने उसमें belief रखा है, और अगर आपने उस चित्र को अपने पास ला सकते हो, तो वहाँ पे आप achieve कर सकते हो. So third one is transformation. So okay, one is ke bhai main aware hu ke I am far beyond this physical realm. There's much more to me than just what meets the eye. Jab wo first awareness ho jata hai, fir once the real awareness starts, aur jitna bhi aapne course kiya hai Raj Yoga ka, when you do the course, it's trying to build your awareness. It's trying to say, hey, you know what, Prakash, you're this body and you have this qualification and you have all those certificates, you know, that really to a large extent is temporary. And if you get stuck in that, it's not going to give you the best because it keeps changing. But the good news is ki bhai aap usse bhi bada ho. Dikhne mein itna bada nahi honge, lekin apne gunon ke hisab se, in terms of the potential possibilities, in terms of your real being, is unlimited. There is no limit. So don't put yourself into limits. Don't box yourself into all these stuff that you have been doing so far. Usse aap, you know, just get yourself into that unlimited space. So that awareness is what we're building. And that realization. So when we're doing a meditation, we're sitting down in silence, like, okay, who am I really? What am I doing? I'm building that realization. अभी तक तो थियरी में था कि मैं आत्मा हूं, कि मैं एक अनलिमिटेड, I have no boundaries. That was just the awareness that was given to me. लेकिन वो realization तब होगा जब मैं योग में बैठूंगा. That's the science that I'm able to get myself into. In that silence, the space of silence is the real science. And so जब मैं उस silence में बैठता हूं, that's when, wow, you know, it all comes to me. It really becomes real. That realization. That's why it's called realization. क्योंकि फिर आपकी असलियत को उस समय पता चल जाता है, और आप उसके साथ one हो जाते हैं. That realization. और last में transformation. That's why it's ART, awareness. Awareness से realization, R, और realization. जैसे ही हम रोज उसको बार बार, क्योंकि क्या होता है, आज तक मेरा अवेयरनेस बॉडी है और रियलाइजेशन इज फिजिकल बॉडी, दैट्स द ओनली रियलाइजेशन बिकॉज इट्स हैपनिंग एवरी सिंगल डे. उसी हिसाब से हमें भी वो जो अवेयरनेस और रियलाइजेशन है उसको बार बार स्मृति में लाना है. टाइम एंड अगेन आई कीप ब्रिंगिंग इट बैक टू मी, देन आई स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग स्लोली बट स्टेडीली बट श्योरली. देयर इज अ मूव टुवर्ड्स द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ ऑफ हु आई ट्रूली एम. That's one very important thing. Secondly, we have a table, and a table usually, most of the time, has four legs. Char pair hote hai us table ke. One second, sorry. So we see four legs of any table. So aise insaan mein bhi char cheeze bahut zaruri hai. There are four things that we need in order for us to feel more complete.
There are four things every human wants to develop within them, and that's important for us. There's no harm in watching out for the big four that is going to make everyone feel more complete. Wo kya cheeze hai? Char cheeze hai. And they rhyme very nicely in Hindi, which is very good. Tan, man, dhan, and jan. Char cheeze hai, jisse kaafi sukh ka anubhav hoga. If you speak about a person who's sada sukhi, okay, antarmukhi we say, antarmukhi sada sukhi, the one who is able to be an introvert is always happy. And that is a very true thing, and we got to see how we work on that level. At you know, physical, worldly level, we've got to take care of these four things. Tan, man. Tan is the body, man is the mind, dhan is wealth, and four is jan, relationships. And so it's very important for us to, in char baaton ko hame attention dena hai. We've got to pay attention to the betterment of these four areas. And if I'm doing that, I must compare myself to how I was yesterday, not with other people. Other people comparing jealousy, ego, whatever will come. Like, look at your own self. Okay, am I content with the way I am working on my health, physical? Tan. Whether it's the diet, chahe mera exercises ho, chahe mera rigor ho, toh mujhe karna hai. And try to improve on a daily basis. Become more disciplined. Discipline zyada karo. Get your rigor proper. Do what you're supposed to do to stay fit. Fitness is all that you have to do. Two, man. Man jeete jagat jeet, right? So, one of the biggest skills that we can actually bring with the mind, which we should know and we should do, is the art to put a full stop. 1 second mein bindi lagana. In 1 second, how fast can I put a bindi? तो क्या होता है मन जो जहां पे बिंदी लगाना है वे वी सपोज टू पुट अ फुल स्टॉप एंड मूव फॉरवर्ड हम लोग वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं इन द मोमेंट वी पुट अ क्वेश्चन मार्क वी गेट इनटू अ क्यू ऑफ अननेसेसरी थॉट्स वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स एंड दैट्स व्हेयर ऑल द अनवांटेड स्टफ स्टार्ट्स लेकिन अगर आपने मन को ट्रेन किया फुल स्टॉप Finished. It's over. Done is done. Let bygones be bygones. Part is past is past. Bolne mein nahi, not just in saying, but truly you're able to put a full stop and start your, you know, the relationships, your day, wherever you might be on a clean slate. Toh bahut achha lagega aapko. Toh man ko aap jitna wo shaktishali banayenge, utna aapko sukh ka anubhav hoga. Make your mind powerful. The sign of a powerful mind is you can put a full stop in 1 second. 1 second mein aap bindi laga sakte ho aur aage badh sakte ho. So that's a very strong thing to do. Third one, dhan, wealth. Very important that we all work towards being more wealthy. Wealthy, yes, of course, we got to take care of physical wealth, which is the money that we need to take care of our responsibilities. We have needs. We've got to take care of this body. We got to take care of our family. We got to take care of those things. Let's not just limit our understanding to that as wealth. If we actually see, it's much more than just this one physical aspect. Wealth is, a huge amount of wealth is your true spiritual knowledge. Gyan, jisko hum kehte hain. Amazing. And because that's what gives you wisdom. And we all understand and know the story of King Solomon. King Solomon ko wisdom tha. Sorry, wisdom nahi tha. Jab Bhagwan ne usko pucha ki aapko kya chahiye? God was pleased with him. What do you want? He says, I want wisdom. Kehta hai, you sure? Aapko baki sab kuch mil sakta hai. Aapko, you want the greatest of riches, I'll give you everything. Kehta hai, nahi, mujhe sirf wisdom chahiye. To kehta hai, theek hai, since you asked for wisdom, I'll give you everything else. Because if you have wisdom, you can take care of everything. And you'll automatically get everything. Agar wisdom nahi hai, to aapke paas sab kuch hoga, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो सब कुछ होगा आप उसको वेस्ट भी कर सकते हो तो विजडम इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट कैन ड्रॉ एवरीथिंग एल्स फॉर यू तो लेट्स आल्सो ट्राई एंड सी हाउ एम आई कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स टू ग्रो मोर वाइजर
And to me, really, wisdom is understanding who you are, knowing what you're here for, and actually fulfilling that purpose on a constant basis. Because that's where every beautiful, pure energy of yours gets generated. So wisdom. Dusra hai hamare gun. Punji hai. It's a wealth of ours. My virtues. Kehte hai, money lost, nothing is lost. Health lost, something's lost. Character lost, everything is lost. So kya hai? We have to take care of this huge amount of wealth, which is my virtues, my qualities, and constantly grow them. And it can come from seeing each other also with a positive mind, you know. We have to change the way I look at things, look at people. Gun graham, you know, like you are always taking the best from everybody. And tan, man, dhan, or last mein, okay, there's dhan is also powers, shaktiyan hamare mein. You know, something goes wrong, ups and downs in life, how powerful am I to face things? How powerful am I to be able to cooperate with others? What's the power with which I can tolerate? All these are also my wealth, yeah? The resilience that I'm building inside me. So, ye sare cheeze hain jo hamare dhan hai. So, is dhan ko constantly badao and compare yourself to your own self. Am I more wealthy today than I was yesterday? Am I able to be more respectful? Am I able to be more, let's say, peaceful than I was yesterday? My qualities, am I able to exercise and express my qualities more? Was I able to go and do something which was able to cheer others up? Because then I'm expressing some of my qualities. So jitna wo karenge, the more you use this wealth, it grows more. The more you give, the more you get in this space. So wo hai dhan. Or jan, relationships, very important. In fact, they say your relationships is the index of how you are inside with your own self. Agar hamare relationships mein harmony hai, peace hai, and prosperity hai, iska matlab inside also, internally, in my mind also, I have all these beautiful things happening. Agar hum apne mein hi, if I'm not able to relate to myself properly and I have a lot of issues inside, that is expressed in all my relationships outside. So it's important for you to start understanding how your relationships go. And in relationships, I forget two very important relationships. Do bahut zaruri relationships hai. Ek hai swa ke saath, dusra parmatma ke saath. In dono ko hume hamesha dhyan mein rakhna hai, usko first rakhna hai, prioritize karna hai. Have these beautiful relationships in this particular zone. So inside, upside, beautiful connection, relationship is nice. And then outside also, your relationships will be beautiful and nice. That's the four legs of our, let's say, human table that we need to take care of. The last but not the least, once we've done this, I'd like to share with you a very important mental shift. Man ko, there's a shift that has to happen. Ek cheez hai, मैं समझता हूं कि भाई when you win I lose और जब maybe when I win you lose, that's a way in which we have probably been brought up in life. You know, school में जाएंगे कोई first है तो कोई second है. You go for a, you know, you go to the Olympics, somebody is a winner, somebody is a loser. So we have been brought up with this mindset कि भाई if somebody wins somebody loses. वो एक mindset हुआ है, उसको shift करना है. This is a scarcity mentality. और हमें abundance mentality में जाना है कि भाई अगर आप जीतते हो, if you win, it's a win to all of us. It's possible. आप भी जीत सकते हो, मैं भी जीत सकता हूँ. And so that mental shift of an abundance coming is very, very important for me to be able to feel better inside and to free myself from the emotion of jealousy. जैसे in a practical way, मैं office में बैठा हूँ और मुझे एक letter आ गया. Or let's say my colleague got a letter that he has got an increment of 15%. I got no increment at all. Now he wins, and I would, I think immediately, oh, he won, I lost. But then ye jo, he wins, but I also win. How is it possible? Ki bhai, theek hai, the moment I see that he has got an increment, it means this sign is that the organization is being kind enough to give people promotions. So the huge amount of possibility, the window for possibility and opportunity now opens up for me. Okay, so which means that if I'm able to do something nice, I am going to be able to get something that is there today.
So, okay, you won today. That just lets me know and gives me the hope that there's some more possibilities. And so I can win, if not today, but then tomorrow. Or agar uska growth ho raha hai, iska matlab ye hai ki bhai, the whole company is doing well. Okay, three of you may be growing. That means the company is growing. And it means it's a good sign. But if none of us have been getting these increments, it means that that's a bad sign for the organization. So it's very important to start changing the way you look at things. जब हम अपनी दृष्टिकोण बदल देते हैं तो फिर पूरा सृष्टि बदल जाता है. जैसे दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. When I start changing the way I look at things, the things that I look at will change. So have a look and change the vision the way you look at others. When you see others progressing, look at it as a good sign for you that progress is possible, the world is progressing, everything is going forward. That's the beauty of progress. And so when you start looking at that and start looking at that as a win-win, you're progressing today, which means that many people are benefiting. And it's me tomorrow, definitely. And even if it's not me, it's okay, so what? But I know there's progress happening and I'm happy for it. And so that's the way I see things, the mentality. When you win, I don't lose. You win, we all are winners. So, hey, I'm happy for your win. Continue winning. Go on. Okay, so that's really what I had. I have a small meditation piece, but any questions before that? Agar koi sawal ho, to please be very happy. Pucho, pucho, bhai, kisi ka kuch जी आप सॉल्यूशन आपने क्या बताया कुछ समझ में नहीं आया हिंदी में बताएंगे प्लीज. हाँ बेन जी, मैंने तीन सॉल्यूशंस दिए हैं. पहला स्व का पहचान, स्व का पहचान, पहचान हो कि मैं कौन हूं. और फिर उसको एक होता है कि जानना, कि मैं जानता हूं कि मैं ये हूं, जानना और उसको मानना भी है. और उसके बाद उसके ऊपर चलना है, जानो मानो और मानते हुए उसके ऊपर चलना है. तो मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं और मुझ में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है. उस हिसाब से हमको अंडरस्टैंड करना है और उसको, उस अवेयरनेस को बढ़ाना है. वो पहला था. दूसरा था तन मन धन जन. ये चार चीजों को हमें अपने आप कंपेयर करना है कि कल के हिसाब से आज क्या मैं उससे बढ़ चुका हूं. और तीसरा चीज जो हमने शेयर किया था वो ये था कि जो आपके जो दृष्टिकोण है, जब कोई भी जीत जाता है तो हम समझते हैं कि भाई वो जीता तो मैं हार गया. तो उसको शिफ्ट करना है कि वो जीत गया, इसका मतलब है हम सब जीत गए, दुनिया जीत गए, उसके साथ साथ कई लोग जीत गए, तो उसकी जीत में हमारी जीत है. तो इस हिसाब से जब हम दृष्टि बदलेंगे तो हमारी सृष्टि बदल जाती है. मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने रिलेशनशिप्स में अब कुछ ज्यादा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा. एक रिलेशनशिप्स में ये बात है कि आप जीते तो हम सब जीते. रिलेशनशिप्स में बहुत जरूरी है कि भई आप ये दृष्टिकोण रखिए कि अब जो भी जीत रहा है मुझे, मैं भी जीत सकता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, टू लुक एट दोस थिंग्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल फैशन. और रिलेशनशिप्स में मैंने आपको कहा सबसे बड़ी बात है दो चीज, स्व के साथ और परमात्मा के साथ. ये रिलेशनशिप्स अगर आपने एस्टैब्लिश बहुत अच्छी तरीके से किए तो आपके दूसरे रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे हो गए. तो क्या होता है जब आपने ये दो रिलेशनशिप्स अच्छे किए, मैं कौन एंड यू स्टार्ट हैविंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप सेल्फ, अपने साथ जब रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो भी आपके गुण हैं वो बढ़ेंगे. व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हु यू आर and you start really meditating, connecting, so you start feeling more complete. क्या है, हम दूसरों को देखते हैं, बाहर देखते हैं तो हमको वो incompleteness feel हो रहा है. लेकिन हो आप complete, आपके पास सर्व गुण है, आपके पास सब शक्तियां हैं, तो आप अंदर देखो. Number one, two, परमात्मा के साथ. तो क्या है, अगर हमें कोई भी feeling आ रहा है का, परमात्मा वो fulfill करते हैं. Better fulfilled through the energy of God. You know what? I'm not going to show you. You have to speak at the end of his class. He, okay. I feel good and I'm getting filled by God. So what is it? When I come in relationship with others, I'm not coming to take from others now anymore. I'm not trying to take from others or trying to take from others.
I'm here to express this beauty that I have developed inside. तो मेरे relationships में आना दूसरों से लेना नहीं लेकिन देना है, वो ही अगर हमारा मकसद हो. और naturally ना, I'm not coming relationship just because to give you, no, it's a very natural beautiful relationship में आ रहा हूं, लेकिन मैं भरपूर होके आ रहा हूं, मैं खाली होके नहीं आ रहा हूं. अगर खाली होके मैं relationship में आया तो फिर वो relationships ज्यादा अच्छी तरीके से चलेंगी नहीं, it will not go for long. क्योंकि मुझे पता है आजकल की दुनिया में दूसरे लोग भी काफी खाली हैं, तो अगर मैं खाली होके उस खाली रिलेशनशिप में आऊंगा तो कुछ समय के लिए, जस्ट यू नो फ्यू मोमेंट्स ऑफ द हनीमून पीरियड ठीक होता है, लेकिन बाद में मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ आ जाएंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो रिलेशनशिप्स, रिमेंबर सेल्फ एंड द सुप्रीम, व्हेन दैट्स देयर फुल देन आई कम इनटू कनेक्शन विद अदर्स, नॉट टू टेक बट जस्ट टू बी हु आई एम and to express my pure self. Thank you. Not a question, but my feeling. I do pray every day, morning, evening, and whenever, you know, in between. Arti Ben, jara Hindi ma bolo ne, karan ki Hindi. Mujhko aisa lagta hai, ke, you know, jab prayer, knowledge, sab, hum log लेते हैं, मगर जब दिस फ्रंट डॉक्टर्स एंड इमरजेंसी वर्कर्स आर फाइटिंग फॉर द लाइफ ऑफ अदर पीपल, सबके लिए काम करते हैं, एंड अदर पीपल द गवर्नमेंट बोलते हैं कि ऐसा नहीं करो, मिलो नहीं क्रिसमस में, थैंक्सगिविंग में, अभी एकदम सब टाइट है, तो जस्ट एवरीबडी फॉलो रूल फॉलो करो, और करते नहीं है तब थोड़ा लगता है कि क्या हो रहा है, तो हम जस्ट थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, तो ये क्या, यू नो, क्या करे. क्यों, मैं तो मीन्स आई फील दैट, यू नो, आई पुट वाइब्रेशन टू एवरीवन, मैं बोलती हूँ कि चल सबको, ये भी आत्मा है, ये भी, तुम चेंज तो नहीं कर सकते हो, मगर यू आर जस्ट प्रेइंग फॉर एवरीबॉडी in the morning and evening and everybody, and but my feeling are like that you know why people are, and that's why you feel little bit tense, not tense, but you feel little bit uneasy. So kya kare usme, you know. Bhati Ben, aap jo kar rahe hain wo sahi hai, aap keh rahe hain ki bhai hum unko kuch kar nahi sakte hain, I cannot do anything, main unko kuch kar nahi sakti hu, लेकिन मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ, मैं उनके लिए अच्छे भावना रखती हूँ, शुभ भावना और शुभ कामना रखिए कि भाई ठीक है वो कर रहे हैं, अज्ञानता में कर रहे हैं, या हो सकता है उनको कुछ मजबूरी हो जिसकी वजह से वो सब कर रहे हैं, और बस उनके लिए आप भावना रखिए कि सब सेफ रहें. सो यू आर डूइंग द राइट थिंग. एक एडिशन उसमें कीजिए, आप वापस जाके ये मत पूछो कि ये लोग क्यों कर रहे, वो जो क्यों की जो मात्रा है क्वेश्चन मार्क ना, वो छोड़ दो आप, बस आप सिर्फ फुल स्टॉप लगा दीजिए. आपने जो अच्छा किया है उसके बाद ये क्यू लगाने से वो सारा अच्छा किया आपने उसको वो धुल जाता है, तो आप ये अच्छा कीजिए और फिर फुल स्टॉप लीजिए और आप आगे बढ़िए बस. ओम शांति. थैंक यू. थैंक यू. प्रकाश भाई, मेरा नाम नेहा है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ एरिजोना में, और एक बहुत ही हाईली कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हूँ. बीके के साथ जुड़ के काफ़ी टाइम से आई थिंक आई वर्क ट्राई टू वर्क ऑन माई संस्कार्स, नो, बाबा की मुरली सुन के, परमात्मा के साथ कनेक्ट करके, मेडिटेशन करके, बट आई थिंक आपने जो पॉइंट्स टच करे, यू नो, ईर्ष्या से लेकर, वो कहीं ना कहीं, यू नो, सटल तरीके से वो होते थे, अवेयर अनअवेयर. तो कभी जैसे देखते हैं कॉलीग्स को, फ्रेंड्स को, यू नो, हु एंडेड अप अचीविंग, यू नो, मच हायर देन, यू नो, सेल्फ, एंड वो जब फीलिंग आती है, तो आप कह रहे हैं कि आप ऐसा सोचिए कि उनकी जीत तुम्हारी खुद की जीत है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है. तो क्या फिर उस डिजायर को कि हमें भी ये चाहिए, ये उसको अराइज ही ना होने दे, या मतलब उसको कैसे अपने ऊपर काम करें उस चीज को लेकर, कि खुद अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश करें उस चीज को देखकर, या ऐसे थॉट्स ही ना आने दे अपने अंदर.
थैंक यू बहन जी. पहला थॉट उनका, देयर प्रोग्रेस इज माय प्रोग्रेस, क्योंकि ये सब हमारे ही संबंधी है, हमारे भाई बहन है, तो अगर उनका प्रोग्रेस हो रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए. आई शुड बी वेरी हैप्पी. सेकेंडली, अगर उनसे कुछ सीख सकते हैं तो जरूर सीखिए. वो सीखे हम भी अपने जीवन में लागू करेंगे और हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. लेकिन तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, वो अचीवमेंट्स उन्होंने जो किया है, मुझे भी वो करना है, वो गलत है. क्योंकि हम सब की जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, हम सब की अलग अलग वैल्यूज होती है, हम सब की अलग अलग पर्पस है. तो उनको देख के अगर हम करेंगे तो फिर हमारी दिशा थोड़ा अलग हो जाएगा. तो अपने को देखिए कि मुझे क्या करना है, मेरे में कौन से गुण हैं, और अगर उन्होंने अपने गुणों से यूज करके वो इतने आगे गए उनके क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र में अपने ही गुणों के साथ मुझे जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे मुझे हो सकता है, फॉर मी एग्जांपल, इट कुड बी आई वांट टू बी पीसफुल एंड आई वांट टू सी हाउ आई कैन गिव द मैसेज ऑफ पीस टू अदर्स. तो मैंने इस क्षेत्र में कितना प्रोग्रेस किया है, अपने क्षेत्र में मैंने कैसे लोगों तक पहुंचा है, और मैंने कितने लोगों को ऐसे आई वाज एबल टू डू दैट. तो उस हिसाब से मैं अपने से कंपीट करूं एंड आई स्टार्ट सेइंग ओके आई कैन डू मोर, आई मस्ट डू मोर, आई हैव द कैपेसिटी, मेरे में पोटेंशियल है तो मैं करूं, बट नॉट आउट ऑफ जेलसी बट आउट ऑफ प्योर पैशन ऑफ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स माय पर्पस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Okay, thank you. So, shall we take some few moments? हाँ भाई जी, आप meditation commentary करेंगे? Thank you, जरूर. तो ये जो meditation कर रहा हूँ, ये actually Harvard Business Review में आया था. It is called meta meditation, और ये बहुत ही अच्छा meditation है. खास करके अगर हम किसी के प्रति अगर jealousy है, तो ये usually ये meditation use करते हैं, जिससे पहले अपने आप को हम अच्छे से फीलिंग्स में रखते हैं, अपने को भरपूर करते हैं, और फिर हम उस व्यक्ति को भी हमारे सामने लाते हैं जिसके वजह से हम जेलस है या जिसके प्रति जेलसी है. और फिर पहले जब हम अपने आप को भरपूर करते हैं, फिर उस व्यक्ति को अपने सामने लाते हैं, और फिर उसके अंदर भी ऐसे ही भरपूरता हो, ऐसे हम लोग थॉट्स पैदा करते हैं. तो हम वो मेडिटेशन अभी करेंगे. शुरू करते हैं. पहले आराम से जहां पे भी आप हैं बैठिए, और थोड़ा एक्टिव भी रहिए ताकि हम सो ना जाएं. टेक इन 3 डीप ब्रेथ्स. और अपने सामने कोई भी चीज हो, उसे डिस्टर्ब नहीं हुई है, सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए जो भी जैसा है. ना कोई सवाल, ना कोई जजमेंट, ये सारी चीज अपने मन से हटा लीजिए. आप जहां हो, आप जैसे हो, आप जिधर भी हो, सब अच्छा है, एक्यूरेट है. अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाइए. इस शरीर के अंदर मैं एक ऊर्जा, एक एनर्जी, शक्तिशाली, बेहद अनलिमिटेड. और जब अपने आप को इस दुनिया के और इस आवाज से, बाहर से आवाज आती है, लेकिन मैं जब इस अंदर अपनी दुनिया में अपने को एक ऊर्जा, शांत स्वरूप आत्मा समझती हूँ, तो वहां पे एकदम सन्नाटा, शांति, सुख का अनुभव होता है. मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुखी हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आनंदमयी हूं,
और जैसे ही हम एक एक शब्द यूज कर रहे हैं, उन शब्दों के अंदर उसके गहराई में जाइए, उसका मतलब और उसकी फीलिंग होती है उस महसूसता में जाइए, मैं शांत स्वरूप हूं, कोई वेस्ट नेगेटिव नहीं, सिर्फ शांति, कोई खींचातान कुछ भी नहीं, शांति। मैं प्रेम स्वरूप हूं, गहराई में जाइए। मैं शक्ति स्वरूप हूं, अपने शक्तियों का अनुभव कीजिए। मैं आनंद स्वरूप हूं, शांति, सशक्ति, सुख, आनंद, प्रेम, मैं भरपूर आत्मा, और इस भरपूरता में पवित्रता है, कोई भी मिलावट नहीं। यही मेरा स्वधर्म है, यही मैं हूं असलियत में। बाकी जो मैं करता हूं या जो करती हूं इस शरीर को चलाने के लिए, कुछ समय के लिए मेहमान बन के, ट्रस्टी बन के चीजों को, लोगों को संभालती हूं, लेकिन हूं मैं ये असली आत्मा और भरपूर हूं। मेरे अंदर सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, भरपूर प्रेम है सबके लिए। आनंद ही आनंद है। तो कुछ समय के लिए इस एक्सपीरियंस को थोड़ा साइलेंस में जाके एक्सपैंड कीजिए। अब आपके सामने बाकी जो भी आत्मा है या आत्माएं हैं, जिसके प्रति कभी भी मन में ईर्ष्या का भाव प्रकट हो या कुछ क्रोध के या और कोई ऐसे व्यर्थ संकल्प हो, तो उन व्यक्तियों को बिल्कुल अभी अपने सामने लाइए, के चित्र को सामने रखिए और ये कहिए कि जैसे मैं एक आत्मा, एक ऊर्जा, शांत स्वरूप हूं, वैसे ये भी एक आत्मा, एक ऊर्जा है, शांत स्वरूप है। मैं सुख स्वरूप हूं, ये भी सुख स्वरूप है, और इन्हें भी सुखी रहने का पूरा अधिकार है। मैं शक्ति स्वरूप हूं, और ये आत्मा और ये आत्माएं भी शक्ति स्वरूप और संपन्न है, और उन्हें ऐसे रहने का पूरा अधिकार है।
मैं आनंद स्वरूप हूँ और ये भी आनंद स्वरूप है। और इनके लिए मेरे अंदर से बहुत बहुत शुभ, बहुत श्रेष्ठ और बहुत पवित्र संकल्प निकलते हैं कि ये भी बहुत आगे और बढ़े और अच्छे करें और बहुत अच्छा करें। बहुत बहुत अच्छी तरीके से इनकी सारी जो पूरा लाइफ 360 डिग्री भरपूर बन जाए, उनके लिए ऐसे फीलिंग मन में आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ये आगे बढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे, सुखी बनेंगे, शांत स्वरूप बनेंगे, इसमें हम सबकी जीत है। तो ये इमेज एक सेकेंड या कुछ क्षणों के लिए साइलेंस में अपने लिए और औरों के लिए बनाइए। अभी सबके कैमरास ऑन है, तो ये लास्ट चीज हर एक को देखिए। हैव अ लुक एट एवरीबॉडी एंड लुक एट देम इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, हर एक को। सो अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये दृष्टि बहुत जरूरी है। सबको देखिए एंड सबको ऐसे आत्मिक दृष्टि से, यानी जस्ट फील दैट आई एम दिस कंप्लीट सोल एंड आई एम लुकिंग एट कंप्लीट सोल्स इन फ्रंट ऑफ मी। And have a huge state of joy inside as you look at everyone complete and full. Just take a minute and just do that. Okay, thank you. Om Shanti. Thank you, Prakash Bhai. Om Shanti. अपना पुराना, अपना पुराना संबंध सब सुनिएगा, एक मिनट सब सुनिएगा। अपना पुराना संबंध, अपना पुराना रिश्ता आपको देख करके दुबई अच्छे से याद आ जाता है ना? हाँ, और मुझे बाबा के घर में, बाबा की फुलवाड़ी में ऐसे ऐसे भी बाबा के यंग, बाबा के बच्चे हैं शारीरिक रूप से, जो कुमार हैं, जिन्होंने पूरी जीवन बाबा को दी है। तो ऐसे हमारे एक प्रकाश भाई एक रत्न है। तो जब दुबई जाती हूँ तो इन लोगों के साथ टाइम तो जरूर बिताती हूँ और याद भी आप लोगों की आती है। तो थैंक यू। यहाँ जो भी है जो जूम पर क्लास किया है ये लॉकडाउन के बाद, के सब बाबा के अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि, आज्ञाकारी, वफादार बच्चे हैं, है ना, जो बाबा को याद करते हैं लेकिन फरियाद नहीं करते हैं। जैसे आपने आपने कहा फरियाद करेंगे तो जेलसी होगी ना, तो ये फरियाद करने वाले बच्चे नहीं है, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। तो थैंक यू दिल से आपको कि आपने समय दिया और आप आए। माय प्लेजर। बहुत बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, और आप सब इतने अच्छे ध्यान से सुन रहे थे, तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर द चांस।